आगे बढ़ेंगे। भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पर्यावरण और समाज विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर संजय सिंह और मुख्य अतिथि के रूप में आए आरएमएल विश्वविद्यालय के वीसी मनोज दीक्षित ने की। वहीं परिचर्चा में लंबुआ विधायक देवमणि द्विवेदी, बीएचयू के प्रोफेसर राकेश उपाध्याय और यूपी प्रधानाचार्य परिषद के प्रादेशिक अध्यक्ष डॉक्टर हरिनारायण उपाध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मानस उपाध्याय ने बताया कि पर्यावरण पर गोष्ठियों को सिर्फ वाद विवाद और भाषणबाजी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके विकास के लिए सही क्रियान्वयन करना चाहिए। सभागार में मौजूद सभी शिक्षकों और छात्रों ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। पर्यावरण के बारे में जो समस्याएं हैं और उसका समाधान जो है, और उस समाधान के प्रति लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, जिससे यहाँ के विद्यार्थी जो लोग हैं उनका एक ओरिएंटेशन हो कि वह पर्यावरण के लिए जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको जाने माने अपनाएं और दूसरे लोगों को भी बताते रहें, और कहीं पर भी अगर कोई उसकी प्रैक्टिस में कोई कमजोरी कर रहा है, कोई अनदेखी कर रहा है, तो उसके प्रति भी वह उनको सचेत करते रहें, टोका टोकी करते रहें, जिससे ओवरऑल इस समस्या को प्रायोरिटी दी जा सके और इसका सॉल्यूशन। पर्यावरण संकट में है, पर्यावरण की रक्षा के लिए समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, उसके लिए तमाम प्रकार के कानून हैं, लेकिन जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं आती है तमाम प्रकार के कानून व्यर्थ हो जाते हैं। समाज को अगर ये एहसास रहेगा कि हमको अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा करनी है, विशेष रूप से प्लास्टिक इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, और जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं तभी उसको हम इस्तेमाल करें, और जो चीज़ जैसी है उसको उस प्रकार से उसके प्राकृतिक रूप में सुरक्षित रखें, ये मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए राष्ट्रीय सिंपोजियम यहाँ आयोजित किया गया था, जो अत्यंत सफल रहा। और इस प्रकार का जो तुलसी का संदेश है, घर घर में तुलसी का बिरवा हो, बाग बगीचे बढ़े, वन क्षेत्र बढ़े, और हम सब मिल करके इस धरती को जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, सब प्रकार के प्रदूषण से मुक्त करें।